नमस्कार। लव मैरिज योग या प्रेम विवाह के योग 21st सेंचुरी या 21वीं सदी में एस्ट्रोलॉजर्स या ज्योतिष के पास यंग कपल्स आते हैं और उनका मेन कंसर्न होता है कि उनकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। तो अब हम किसी भी चार्ट से किस बेसिस पर डिसाइड करके उस नेटिव को बताएंगे कि आपकी लव मैरिज पॉसिबल है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर एक कैंसर या कर्क लग्न की कुंडली ली हुई है। लव मैरिज देखने के कई सारे योग हैं, इनमें से कोई भी एक योग हो तो लव मैरिज पॉसिबल होती है। सबसे पहले हमें देखना है कि लग्न के अंदर मंगल, वीनस, बुध या चंद्रमा की राशि हो। जैसे इसमें चंद्रमा की राशि है 4, लग्न के अंदर 4 साइन हो, 1 या 8 साइन हो, 2 या 7 साइन हो, 3 या 6 साइन हो, तो ऐसे नेटिव की लव मैरिज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। हम नेटिव को बोल सकते हैं कि आपकी लव मैरिज की पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले हम लग्न का साइन देखेंगे। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योग है, यदि आपका 5th लॉर्ड और 7th लॉर्ड के बीच का कोई भी कॉम्बिनेशन बन जाए, वो एक दूसरे को देख रहे हो, एक दूसरे के साथ कंजेक्टेड हो, या एक ही जगह पर कहीं भी प्लेस्ड हो, या एक दूसरे की राशि में प्लेस्ड हो, तभी भी आपका लव मैरिज योग होता है। इसमें यदि वो D1 चार्ट, बर्थ चार्ट में 5th और 7th हाउस के लॉर्ड के बीच में कोई भी रिलेशन हो तो लव होगा उन दोनों के बीच में, और सेम रिलेशन यदि D9 चार्ट में भी एग्जिस्ट करता हो तो उनकी मैरिज भी हो जाएगी। मैरिज को कंफर्म करने के लिए हमें D1 और D9 दोनों चार्ट को देखना पड़ेगा। जैसे इस केस में मैं देखता हूं, यहां पर 5th लॉर्ड मार्स है और 7th लॉर्ड आपका सैटर्न है। मार्स और सैटर्न दोनों यहां पर लग्न में जाकर बैठ गए, तो 5th और 7th लॉर्ड के बीच में कंजक्शन का आपका युति का योग बन गया। सेम योग या किसी भी तरीके का 5th और 7th लॉर्ड के बीच में रिलेशन यदि आपके D9 चार्ट में हो, तभी भी लव मैरिज योग बनता है। सेकंड योग बनता है 7th एंड 9th लॉर्ड के बीच में, इसी तरीके का कोई भी रिलेशन हो जाए 7th एंड 9th लॉर्ड, क्योंकि जो 5th हाउस के सिग्निफिकेशंस है वही 9th हाउस भी उन्हीं सिग्निफिकेशंस को देता है। 5th हाउस के जो रिजल्ट होते हैं उन्हें सूक्ष्म लेवल पर 9th हाउस भी देता है, क्योंकि 9th हाउस 5th से 5th होता है, तो 7th लॉर्ड और 9th लॉर्ड के बीच में भी प्लेसमेंट, एस्पेक्ट या कंजक्शन के आपके योग बने, तभी भी लव मैरिज पॉसिबल है। मगर इसमें ध्यान ये रखना है, यदि बर्थ चार्ट में योग बनते हैं तो लव होगा, और यदि D9 चार्ट में भी उनके बीच में कोई योग बनता है तो मैरिज भी आप कह सकते हैं। इस पर्टिकुलर चार्ट में यदि मैं देखता हूं तो यहां पर आपका 7th लॉर्ड सैटर्न एंड 9th लॉर्ड जुपिटर है, उन दोनों को मैंने यहां पे प्लेस कर दिया, सैटर्न एंड जुपिटर, ये कंजक्शन हो गया, तो ये आपका लव मैरिज योग बनता है। यदि सेम योग या किसी भी तरीके का 5th, 7th और 9th लॉर्ड के बीच में योग यदि D9 चार्ट में होता है तो हम कंफर्मली लव मैरिज बोल सकते हैं। एक नेक्स्ट योग आता है रिलेशन बिटवीन 7th एंड 12th हाउस। ये 7th हाउस है, ये 12th हाउस है, इन दोनों के बीच में भी यदि कोई रिलेशन बनता है तो दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप रहेगा। वो मैरिज तक आपका आगे जाएगा या नहीं जाएगा वो हम D9 चार्ट के बेस में बताएंगे, मगर इंटीमेट रिलेशन रहेगा दोनों नेटिव के बीच में यदि 7th लॉर्ड और 12th लॉर्ड के बीच में कोई भी रिलेशन बनता है। लाइक दोनों के बीच में राशि एक्सचेंज हो जाए, यहां पर आपका मरकरी हो और यहां पर सैटर्न हो, तभी भी इन दोनों के बीच में आपका लव रिलेशन होगा। मैरिज के लिए हमें D9 चार्ट को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट योगा की बात करता हूं मैं, जो कि लव मैरिज बताने में हमारी हेल्प करेगा। 5th लॉर्ड रिलेटेड हो मार्स से और वीनस से,
फिफ्थ लॉर्ड इज रिलेटेड टू मार्स एंड वीनस, इस केस में बाय चांस फिफ्थ लॉर्ड इज मार्स, तो फिफ्थ लॉर्ड मार्स से रिलेटेड हो गया। अब मार्स और वीनस आप एक साथ प्लेस कर देते हैं यहां पर, मार्स एंड वीनस, तो फिफ्थ लॉर्ड मार्स खुद ही वीनस से रिलेटेड हो गया, तो ये भी लव मैरिज योग होगा। अब मैं इस चार्ट में बदल देता हूं, सपोज हम ले लेते हैं कि इसकी लग्न आपकी थ्री साइन की ले लेता हूं मैं, तो ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 3, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन। तो यहां पर फिफ्थ लॉर्ड हो गया वीनस। अब वीनस यदि मार्स से रिलेटेड हो जाए किसी भी तरीके से, यदि मार्स को एस्पेक्ट कर रहा हो या मार्स के साथ प्लेस्ड हो, तभी भी लव मैरिज योग बनता है। किसी केस में फिफ्थ लॉर्ड, यहां पर मैं वन साइन की चार्ट ले लेता हूं, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहां पर फिफ्थ लॉर्ड हो गया आपका सन। अब सन मार्स और वीनस से रिलेट हो जाए किस तरीके से, ये हमारा मार्स यहां पर प्लेस्ड है, वीनस यहां पर प्लेस्ड है और सन को ये यहां पर आप रख दीजिए। तो इन दिस केस सन इज एस्पेक्टिंग मार्स एंड वीनस एंड मार्स एंड वीनस आर एस्पेक्टिंग सन, तभी भी लव मैरिज योग बनता है। नेक्स्ट लव मैरिज योग होगा यदि सेवेंथ लॉर्ड भी मार्स और वीनस से रिलेटेड हो जाए। फिफ्थ लॉर्ड मार्स एंड वीनस से रिलेटेड हो वो एक लव मैरिज योग है, सेवेंथ लॉर्ड इज रिलेटेड टू मार्स एंड वीनस। लाइक यहां पर सेवेंथ लॉर्ड हो गया सैटर्न, इसको हमने यहां पे प्लेस कर दिया, यहां पर ये मार्स प्लेस कर दिया, यहां पे हमने वीनस प्लेस कर दिया, तो ये भी लव मैरिज योग बनता है। किस तरीके से बनता है, सेवेंथ लॉर्ड सैटर्न को मार्स एस्पेक्ट कर रहा है, सैटर्न मार्स को एस्पेक्ट कर रहा है टेंथ एस्पेक्ट से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और वीनस सैटर्न को एस्पेक्ट कर रहा है, सैटर्न वीनस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो ये भी लव मैरिज योग बन गया। इसी को और मॉडिफाई कर देते हैं हम, सैटर्न और वीनस को यदि एक साथ प्लेस कर देते हैं, सैटर्न एंड वीनस इज प्लेस्ड कंजक्टेड और मार्स इन दोनों को देख रहा है, तो भी ये लव मैरिज योग बन जाता है। नेक्स्ट योग बनता है यदि मार्स और वीनस का कहीं भी कंजक्शन हो, मार्स एंड वीनस का कंजक्शन जिस भी नेटिव के चार्ट में हो, तो उसके अफेयर्स या रिलेशंस रहेंगे। अब मैरिज उसकी होगी या नहीं होगी ये इस बात पर डिपेंड करेगी कि मार्स और वीनस जहां पर कंजक्टेड हैं उनके ऊपर किसी बेनिफिक प्लेनेट का एस्पेक्ट है, और आपका D9 चार्ट भी इस मैरिज को कंफर्म कर रहा है, तब हम मैरिज बताएंगे। मगर मार्स और वीनस का यदि कंजक्शन होता है तो दोनों के बीच में एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है, नेटिव के अफेयर्स होंगे हम ऐसा कह सकते हैं। वो अफेयर्स मैरिज में तभी चेंज होंगे, सपोज मैंने यहां पर मार्स और वीनस का कंजक्शन किया और जुपिटर को यहां पर प्लेस कर दिया, अब बेनिफिक प्लेनेट यदि इसे देख रहा है तो ये अफेयर मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है, मगर यदि इसी को मैलिफिक देख रहा है तो वहां पे एक दोनों के बीच में रिलेशन होगा और उसमें ये आपका वो रिलेशन मैरिज में फ्रक्टिफाई होने में प्रॉब्लम आएंगी। तो इस तरीके से मार्स वीनस कंजक्शन इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैरिज। फर्दर जो थोड़े योग हैं ये सारे स्ट्रोंग योग थे, मगर कुछ एक और योग भी है जिनमें लव मैरिज हम बता सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ लॉर्ड या फर्स्ट लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड का कॉम्बिनेशन हो जाए, यदि मून और मंगल दोनों एक साथ यहां पर इस केस में कंजक्ट हो जाए कहीं पे भी जाके, तो ये चंद्र मंगल योग भी बनाएंगे और आपका इन दोनों की मैरिज करने में भी हेल्पफुल होंगे। सिमिलरली फर्स्ट एंड सेवेंथ लॉर्ड का यदि कॉम्बिनेशन हो जाए, फर्स्ट एंड सेवेंथ लॉर्ड, तो फर्स्ट लॉर्ड यहां पर आपका मून है और सेवेंथ लॉर्ड आपका सैटर्न है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए और ये तो बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। यदि मून को आप यहां प्लेस कर देते हो और सैटर्न को यहां पे प्लेस कर देते हो, दोनों अपनी ही राशि में है और एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इस केस में भी लव मैरिज की पॉसिबिलिटी होती है। कॉम्बिनेशन ऑफ 2, 7 एंड 11 हाउसेज यदि रिलेट हो जाए किसी भी तरीके से, 2, 7 एंड 11 हाउस के लॉर्ड एक दूसरे से रिलेटेड हो जाए, सेकेंड हाउस, सेवेंथ हाउस एंड इलेवेंथ हाउस लॉर्ड, सेकेंड हाउस, सेवेंथ हाउस
एंड 11th हाउस लॉर्ड एक दूसरे से किसी भी तरीके से कंबाइन हो जाए और साथ में ही 5th हाउस 8th हाउस एंड 12th हाउस के लॉर्ड भी कंबाइन हो। ये आपका 5th हाउस है, ये 8th हाउस है और ये 12th हाउस है। ये कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन है मगर दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। आपका 5th 2nd हाउस 7th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड के बीच में किसी तरीके का कोई भी कॉम्बिनेशन बन रहा हो, वो एक दूसरे के साथ प्लेस्ड हो, एक दूसरे को देख रहे हो, एक दूसरे के साथ प्लेस्ड है, तीसरा उसको एक्सपेक्ट कर रहा हो, या मैं पर्टिकुलर एग्जांपल इसलिए नहीं दे रहा कि ये कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत कम चार्ट में आपको मिलेगा। इसी तरीके से आपका 5th लॉर्ड 5th हाउस इवन 8th हाउस एंड 12th हाउस के बीच में किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन हो जाए, यदि ये दोनों तरीके के कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में एक साथ दिखाई देते हैं तो लव मैरिज के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग योग बनता है। सेकंड हाउस आपका फैमिली का हाउस होता है, 7th हाउस स्पाउस का हाउस होता है एंड 11th हाउस आपका गेन का हाउस होता है। इन तीनों का एक दूसरे से कॉम्बिनेशन, इसी तरीके से 5th हाउस पुत्र हाउस रोमांस हाउस होता है, 8th हाउस मांगल्य हाउस होता है, 12th हाउस आपका बैड प्लेजर का हाउस होता है। यदि इन तीनों का कॉम्बिनेशन, ये दो कॉम्बिनेशन यदि किसी के चार्ट में बनते हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कह सकते हो कि इनकी लव मैरिज होगी। अब ये कॉम्बिनेशन मैं यहां बताने की कोशिश करता हूं, 5th 2nd हाउस, ये 2nd हाउस हो गया, 7th हाउस हो गया, 11th हाउस हो गया। अब आप कहेंगे कि कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, तो कॉम्बिनेशन मैंने यहां पर सन और वीनस को बिठा दिया, सन और वीनस बैठ गए आपके 7th हाउस में आकर। ऑल द 7th हाउस में सन कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता मगर वीनस के साथ बैठा हुआ है तो कोई ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो ये कॉम्बिनेशन आया है आपका 2nd 7th एंड 11th हाउस का। दूसरा कॉम्बिनेशन बताया मैंने 5th 8th एंड 12th हाउस का। तो यहां पर मैं इसमें 5th 8th एंड 12th हाउस के किस में यहां पर बैठा देता हूं मैं मार्स मकरी को, मार्स एंड मकरी, और आपका सैटर्न को मैं प्लेस कर देता हूं इस जगह पर, कहीं भी जहां से एस्पेक्ट करता हो सैटर्न को इस जगह पे प्लेस कर दीजिए। अब सैटर्न आपका इसको देख रहा है मार्स एंड मरकरी को, मार्स इज द 5th लॉर्ड, मरकरी इज द 12th लॉर्ड और 8th लॉर्ड इसको एस्पेक्ट कर रहा है। इस तरीके से सो मेनी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, हमें इंडिविजुअल चार्ट में देखना पड़ेगा। किसी के भी चार्ट में यदि आपका 2nd 7th और 11th का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा हो, साइमल्टेनियसली 5th 8th और 12th का कोई भी कॉम्बिनेशन बन रहा हो, तो ऐसे नेटिव की लव मैरिज होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हो जाते हैं और ये वन ऑफ द बेस्ट योग है फॉर लव मैरिज। थैंक यू।